दोस्तों, क्या आपने भी एक वीडियो को रिकॉर्ड या शूट करके रखा हुआ है और आपकी उस वीडियो में आपकी वॉइस अच्छी नहीं आई है और आप अपनी उस वीडियो में वॉइस को चेंज करना चाहते हैं या अलग से वॉइस ऐड करना चाहते हैं, वॉइस ओवर करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से कैसे करूँ? या फिर दोस्तों, मान लीजिए आपने इधर उधर से इमेज, फोटो या वीडियो को क्लिप को इकट्ठा करके एक फैक्ट टाइप की वीडियो बना रहे हैं, उसमें आप वॉइस ओवर डालना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तब भी दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने यूट्यूब की वीडियो में वॉइस ओवर कहाँ से और कैसे करूँ, तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को ध्यान से कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू मेक वॉइस ओवर यूट्यूब वीडियो, वॉइस ओवर यूट्यूब वीडियो कैसे बनाएं, कैसे क्रिएट करें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पे मिलेगी हर खबर डंके की चोट पर। दोस्तों, आप अपनी किसी भी YouTube की वीडियो में वॉइस ओवर कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको लाइव प्रूफ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ताकि आपको भी अच्छे समझ में आ जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, वैसे तो आपके पास होगा, अगर नहीं होगा तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स, जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन ऊपर में देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने YouTube वीडियो का रेशियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मांगेगा। तो अगर आपकी वीडियो नॉर्मल है तो 69 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना फर्स्ट वाला। अगर आपकी वीडियो शॉर्ट वाली है, यानी YouTube की शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना। वैसे तो फ्रेंड्स, मेरी ये जो वीडियो है ये नॉर्मल वीडियो है 69, तो 69 का रेशियो, तो मैं इसको 69 का रेशियो सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर में इमेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आपको अपने एक वीडियो का बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं ब्लैक वाले को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब ब्लैक वाले को सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं इसी पे ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको इस बैकग्राउंड लेयर को वीडियो के ड्यूरेशन के हिसाब से बड़ा कर लेना है। जैसे आपकी वीडियो 2 मिनट की है, 3 मिनट की है, तो इतना बड़ा कर लेना है। अगर इसको और भी ज्यादा बड़ा कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी वीडियो के हिसाब से जितने बड़ा, अगर 3 मिनट की वीडियो तो इसको उसके बाद का जो फालतू होगा इसको आप कट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना, फिर से आपको लेफ्ट साइड में आ जाना, फिर बाहर में कहीं भी स्क्रीन पे आपको इस तरीके से ओके करना, इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको देखिए यहाँ पे राइट साइड में कई सारे ऑप्शन देखने को मिले हैं टूल बार, यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन देखने को मिला, तो आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मीडिया का इफेक्ट, स्टिकर, टेक्स्ट, हैंड राइटिंग, बहुत सारे टूल बार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपको अपनी वो वीडियो सेलेक्ट कर लेने जिस वीडियो में आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं। तो मेरी वीडियो जो है मीडिया वाले में है, तो मीडिया वाले ऑप्शन में आपको चला जाना है और आपको अपने वीडियो में जो भी होगी, जिस फोल्डर में रखा होगा, तो उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो वीडियो अपना शूट करके रखा हुआ, कैमरे से शूट करके रखा हुआ है, यानी कैमरे से रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है, तो मैं कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपकी भी वीडियो जिस फोल्डर में होगी, जिस ऑप्शन में होगी, तो वहाँ से अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी वीडियो देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, अब मैं एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरी पुरानी वीडियो है, इसको मैंने 2 दिन पहले शूट किया था। अब मैं इस साइज को यहाँ पे क्लिक करके इसको फुल साइज कर देता हूँ। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैंने क्या बताया एक बार थोड़ा सा सुना के दिखा देता हूँ कुछ सेकेंड आपको, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने यूट्यूब के चैनल पे गेमिंग की वीडियो डालते हैं, यानी अपने मोबाइल पे गेम प्ले करते हैं या लैपटॉप पे गेम प्ले करते हैं, उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने क्या बता कर रखा है कि अगर आप अपने यूट्यूब के चैनल पर गेमिंग की वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी मैं वॉइस ओवर करूंगा तो अपनी पुरानी वीडियो का जो भी आवाज़ है, मैंने बोल रखा है, जो भी साउंड है, उस साउंड को मैं डिलीट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। उसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा, वीडियो पे ओके कर दूंगा, राइट साइड में ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिला, इस पर क्लिक कर दूंगा। अब वीडियो की जो भी आवाज़ है इसको मैं 0 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, इस वीडियो की जो आवाज़ है ना, एकदम रिमूव हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अब दोस्तों, मैं नया अपना वॉइस ओवर करूंगा। अब दोस्तों, आपको वॉइस ओवर करने के लिए आपको क्या करना है, टूल्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिला है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे फ्रेंड्स, आप अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट करने के बाद फ्रेंड्स जो भी चीज़ बोलेंगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा। फिर से यहाँ पर लिख देगा स्टॉप और स्टॉप पर क्लिक कर देंगे तो स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं भी यहाँ से रिकॉर्ड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ क्या रिकॉर्ड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, टेकोमारिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने किसी भी यूट्यूब के वीडियो में वॉइस ओवर कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। पहले उस वीडियो में क्या था कि आपका गेमिंग चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं, और इस वीडियो में मैंने यहाँ पे ऑडियो क्या रिकॉर्ड किया कि आपका किसी भी यूट्यूब की वीडियो में वॉइस ओवर कैसे करेंगे। मैं आपको प्ले करके सुना भी देता हूँ कि ये ऑडियो मेरा क्या रिकॉर्ड हुआ है। देखिए,
नमस्कार दोस्तों, टेक होम आर्या यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने किसी भी यूट्यूब के वीडियो में वॉइस ओवर कैसे करेंगे। तो देखा दोस्तों, मैंने जो रिकॉर्ड किया वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है। उस तरीके से फ्रेंड्स आप इसको कहीं भी अपने हिसाब से आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको ऑडियो चाहिए। अगर इस ऑडियो में स्टार्टिंग का पार्ट कोई कट करना तो इस पर आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो आपको एक कैची का ऑप्शन देखने को मिला, ट्रिम एंड स्प्लिट, इस पर ऑप्शन करेंगे। अगर आपको लेफ्ट का पार्ट कोई थोड़ा सा कट करना है तो यहाँ पर लिखा ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हिट, इसको करेंगे तो लेफ्ट का पार्ट कट हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको राइट का पार्ट जहाँ से जहाँ तक कट करना है तो इसको क्लिक करके आपको क्या करना है, इसी तरीके से नीचे आना ट्रिम एंड स्प्लिट वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे राइट लिखा सेकंड वाला ऑप्शन ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, इस पर क्लिक करके आपको ओके करेंगे तो देखिए राइट वाला पार्ट कट जाएगा। इसी हिसाब से आप जहाँ चाहे वहाँ का उतना पार्ट आप अपना कट कर सकते हैं, अपने वीडियो में जहाँ चाहे इसको अपना लगा सकते हैं। और इस तरीके से लगाने के बाद फ्रेंड्स आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, आपकी वीडियो में वॉइस ओवर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने किसी भी YouTube के वीडियो में आसानी से वॉइस ओवर कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, अगर मान लीजिए आप YouTube के शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं जैसे फैक्ट वाला चैनल है, तो सिंपली उसके लिए क्या करना, मैं उसके लिए भी बैक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। क्रिएट ए न्यू में आ जाना है, आपको अपनी शॉर्ट्स वीडियो का साइज सेलेक्ट कर लेना, 9:16 का रेशियो, इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको इमेज में आ जाना है, बैकग्राउंड एक लेयर ले लेना है, उसके बाद इसको लेयर को बड़ा कर देना है। अब दोस्तों इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाना है। अब आपको मीडिया वाले पे जाना है, मीडिया वाले में आपको अपना जो भी स्क्रीनशॉट आपने रखा होगा, फोटो इमेज वगैरह, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आप जैसे कि ये दो स्क्रीनशॉट है, मैं इसको ले लेता हूँ, साइज को फुल कर देता हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स फिर से दूसरा इमेज यहाँ से ले लेता हूँ। अब दूसरा इमेज यहाँ पे फिर से लेयर वाले से जाता हूँ, मीडिया वाले में स्क्रीनशॉट, जैसे कि आप फैक्ट की वीडियो बनाएंगे तो उसके लिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट में जाकर फिर से मैं दूसरा एक वीडियो ले लेता हूँ, इसके भी साइज को फुल कर देता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस फोटो है, फोटो में कोई भी आवाज नहीं है, तो इसमें कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिला है, इस रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो भी चीज रिकॉर्ड करना है यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आप अपने यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में जो फैक्ट की वीडियो बनाते हैं उसमें आप अपनी वॉइस ओवर कैसे करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। जो फालतू का चीज़ होगा मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरीके से जाके यहाँ पे ट्रिम में जाके इसको राइट पे क्लिक करके आप इसको कट कर देना, और लेयर जो फालतू होगी लेयर को भी इस तरीके से आपको कट कर देना है राइट वाले पार्ट को। अब यह वीडियो आपकी बनकर तैयार होगी। आप यहाँ पर इस तरह वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्या करना है, अपना साइज सेलेक्ट कर लेना है, या फुल HD क्वालिटी में आपको एक्सपोर्ट करना है तो फुल HD क्वालिटी में सेलेक्ट करके आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो वीडियो है एक्सपोर्ट होकर आपके गैलरी में चली जाएगी। और इस तरीके से आप अपने किसी भी यूट्यूब के वीडियो में आसानी से वॉइस ओवर कर सकते हैं, चाहे आपकी लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो, दोनों वीडियो में आप आसानी से अपना वॉइस ओवर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि किसी भी वीडियो में वॉइस ओवर कैसे करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।